नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह लोकतंत्र यहाँ के नागरिकों को खास बनाता है। नागरिकों के हित, उनकी निजता, उनकी व्यक्तिगत आजादी इत्यादि जैसे अनेकों प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं। लेकिन इस बीच लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने का एक दावा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। यह मामला पेगासस स्पाईवेयर नाम के एक सॉफ्टवेयर से जुड़ा है, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि इसके द्वारा भारत के कई बड़े दिग्गज नेता व अधिकारियों की निजी जानकारी की जासूसी की गई है और दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार इस मामले में संलिप्त है। किसी भी सरकार के लिए यह एक बड़ा इल्जाम है, क्योंकि लोकतंत्र में बनी सरकार अपने नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आप में से कईयों ने शायद पेगासस स्पाईवेयर का नाम भी पहली ही दफा सुना होगा, पर अब इसे जानना जरूरी हो गया है, क्योंकि पेगासस ने भारत में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। आज के वीडियो में हम आपको पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही यह मामला भारत में कितना बड़ा बन चुका है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। पेगासस स्पाईवेयर अपने आप में एक आधुनिक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे इजराइल की एक साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है, जिसका दूसरा नाम क्यू सुइट भी है। खास बात यह है कि ये कोई रैंडम स्पाईवेयर नहीं है जो कि ऑनलाइन इंस्टॉल हो सके, बल्कि यह फोन पे बिना क्लिक किए हुए भी इंस्टॉल हो सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले पेगासस जैसे स्पाईवेयर शुरुआती तौर पर मैसेज और इमेज के जरिए फोन में अपनी जगह बनाते थे, लेकिन अब यह फोन में सिर्फ व्हाट्सएप के मिस्ड कॉल के जरिए भी इंस्टॉल हो सकते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर यूजर्स के फोन पर जीरो क्लिक अटैक करते हैं, यानी कि आप किसी मैसेज या लिंक को क्लिक भी नहीं करेंगे, फिर भी ये आपके मोबाइल में जगह बना लेगा। उसके बाद आपकी हर मोबाइल एक्टिविटी की जासूसी करेगा। आपको बताते हैं कि पेगासस आपकी निजता का हनन करता है, इसलिए आपको यह कई तरह से खतरा पहुंचा सकता है। जिस फोन में यह सॉफ्टवेयर चला जाएगा उस पर आने जाने वाले हर कॉल का ब्यौरा जुटा सकता है। यह फोन में मौजूद मीडिया फाइल और दस्तावेजों के अलावे उस पर आने जाने वाले SMS, ईमेल्स और सोशल मीडिया मैसेज की भी जानकारी दे सकता है। जासूसी के क्षेत्र में इसे अचूक माना गया है, क्योंकि यह बिना परमिशन के एंट्री करके जासूसी करके डेटा को कलेक्ट कर लेता है। टेक्निकल जानकारी रखने वाले दावा करते हैं कि इससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह फोन में मौजूद एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट को भी पढ़ सकता है। इसे यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में डाला जा सकता है और एक बार फोन में पहुंच जाने के बाद इसे हटाना आसान नहीं होता। आपको बता दें कि यह प्रोग्राम अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो उसे दूर बैठा कोई व्यक्ति टेक्निकली कमांड दे सकता है। उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल्स और लोकेशन तक की जानकारी को हासिल कर सकता है। ऐसे में आपकी निजी जानकारी कहां कहां तक कहां पहुंच सकती है, इसकी कोई खोज खबर भी नहीं होगी। पेगासस स्पाईवेयर को लाइसेंस के तौर पर बेचा जाता है। इसकी कीमत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। बताते चले कि एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीब 70 लाख रुपए तक हो सकती है, जिसके जरिए कई फोन को ट्रैक कर सकते हैं। यह गूगल के एंड्रॉइड फोन, विंडोज, ब्लैकबेरी फोन, एप्पल के iOS फोन और सिम्बियन OS पर काम करने वाले फोन को अपना टारगेट बना सकता है। अब आपको बताते हैं कि भारत का पेगासस स्पाईवेयर के साथ क्या संबंध है और आखिर क्यों इस पर हाय तौबा मचा हुआ है। बताते चले कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश सहित कई देशों ने पेगासस को खरीदा है। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब तक की सरकार में इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे हैं। यहां तक कि फेसबुक और कई बड़ी कंपनियों ने इस पर मुकदमा भी किया है। फिलहाल भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं मिली है कि यहाँ की सरकार NSO कंपनी से पेगासस को खरीदी है या फिर नहीं, लेकिन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने एक रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसके आधार पर ही कथित तौर पर आरोप लग रहे हैं कि इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप के बनाए जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के कई महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कराई गई। इस सॉफ्टवेयर की मदद से पहले इन लोगों के मोबाइल फोन हैक किए गए और फिर इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। कथित तौर पर जिन लोगों की जासूसी की गई उनमें 40 पत्रकारों, विपक्ष के कुछ नेताओं, केंद्र सरकार के दो मंत्रियों, कानूनी पदों पर बैठे लोगों, अफसरों और कई उद्योगपतियों के नाम हैं। इनमें से कुछ नाम हैं राहुल गांधी, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी संजय काचरू और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। इसके
इसके अलावा इस लिस्ट में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निजी सचिव पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का भी नाम है, जबकि पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप इससे इनकार कर चुकी है और कहा कि ये दोनों संस्था बस गुमराह करती है। उसका कहना है कि ये लिस्ट फेक है और इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध है। कंपनी हमेशा से दावा करती है कि ये प्रोग्राम वो केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। हालांकि भारत सरकार इस घटना को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रही है और गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारत में इस तरह से किसी की निजी जिंदगी की जानकारी लेना असंभव है। यह आपको बता दें कि पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली थी। इसके बाद कई देशों में इस पर सवाल भी उठे। वहीं साल 2021 में अब भारत में मानसून सत्र के दौरान ही यह लिस्ट आई है और आरोप उठ रहे हैं। अब इस मामले में आरोपों को झूठा ठहराने के लिए सरकार जांच पड़ताल शुरू कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।